मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा आपके पास 5 क्वेश्चन तक आपके हो गए थे 6.5 एक्सरसाइज का। 6th क्वेश्चन देखिएगा, तो 6th क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। कहता है ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है, 2a के इक्वल है। तो आपने कहता है फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, तो इसका एल्टीट्यूड निकालना है, AD की लेंथ निकालनी है। तो ABC आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, और तीनों की लेंथ क्या है, 2A है। ये भी लेंथ 2A है, ये भी लेंथ 2A है, और ये भी लेंथ 2A है। तो आपने AD लेंथ निकालनी। देखिए तो गिवन क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ट्रेंगल इक्विलेटरल ट्रेंगल है। आपने फाइंड क्या करना है, एल्टीट्यूड लेंथ ए डी निकालनी है। अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्रेंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड है, ये जो इस बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो बी डी और डी सी दोनों की दोनों लेंथ इक्वल होंगी। जब ये टोटल लेंथ बी सी आपके पास 2a है, तो हाफ़ ये हो जाएगी, हाफ़ ये हो जाएगी, तो ये लेंथ बन जाएगी आपके पास a, और ये लेंथ ये भी a। जब ये लेंथ आपके पास a आ गई, ये लेंथ आपके पास बी डी लेंथ है, a है, ठीक है। जब बी डी लेंथ आपके पास a है, ये लेंथ आपके पास a हो गई, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर a b d के अंदर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये लेंथ आपके पास a है, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ये लेंथ 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर। तो यहाँ पर ही हमने इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये लेंथ 2a है, ये लेंथ a है, तो इसको सोल्व करके AD की लेंथ √3a आ जाएगी। तो एक आपके पास एल्टीट्यूड √3a आ गया, ऐसे ही B से जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे BE, और C से हम AB के ऊपर परपेंडिकुलर करेंगे, उन सभी एल्टीट्यूड्स की लेंथ कितनी आ जाएगी, √3a आ जाएगी। उसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या आता है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रम्बस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ इट्स डायगोनल। देखिएगा क्या कहता है, एक रम्बस है ए बी सी डी, तो कहता है इसकी साइड्स के स्क्वेयर का सम होगा इसके डायगोनल के स्क्वेयर के सम के इक्वल, आपने प्रूव करके दिखाना। तो गिवन के अंदर क्या होगा, ए बी सी डी एक रम्बस है, आपने ये गिवन है, प्रूव करके क्या दिखाना है, इसकी साइड्स के स्क्वेयर का सम इसके डायगोनल के स्क्वेयर के सम के इक्वल होगा। अब हम इसका प्रूव करके दिखाएंगे। अब हमें पता है कि रम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो हमेशा बाईसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल्स पे। इसके जो डायगोनल है ए सी और ए बी डी, ये डायगोनल आपस में ओ पॉइंट पर काटते हैं, तो ये ओ ए लेंथ ओ सी लेंथ के इक्वल होगा, ओ बी लेंथ ओ डी लेंथ के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, बाईसेक्ट होगा बराबर हिस्सों में। और राइट एंगल्स का मतलब है ये एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी आपके पास 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, तो ओ ए ओ सी के इक्वल होगा, ओ बी और ओ डी के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के, और चारों एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपके पास है, रम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं और बाईसेक्ट करते हैं। तो ये हर एक एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल हो जाएगी। तो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। अब देखिएगा ये एंगल 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो ए बी का स्क्वायर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ए ओ का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर। अब ए ओ और ओ सी इक्वल होगा, तो ए ओ आपके पास ए सी का हाफ होगा, ऐसे ही ओ बी जो है वो बी डी का हाफ होगा। तो ए ओ की जगह पे ए सी बाई 2 लिख देंगे, और ओ बी या बी ओ की जगह पे बी डी बाई 2 रख देंगे, तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, स्क्वेयर करेंगे, तो 4 को इस साइड में ले जाएंगे, आपके पास आ जाएगा। अब 4 ए बी स्क्वेयर है, तो ए बी स्क्वेयर को 4 बार लिख देंगे, ए बी स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ये।
अब ए बी बी सी सी डी डी ए चारों लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि रंबस है, रंबस की चारों साइड्स इक्वल होती है। तो एक ए बी तो यूं का यूं, इस ए बी की दूसरे ए बी की जगह पे बी सी रख देंगे, एक सी डी रख देंगे और एक डी ए रख देंगे, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं और जो राइट हैंड साइड है वो यूं की यूं है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आठवें क्वेश्चन के अंदर फिगर दे रखा है, ये फिगर समझिएगा। इस फिगर के अंदर कहता है ओ इज़ द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ओ आपके पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट दे रखा है, और ओ डी परपेंडिकुलर बी सी दे रखा है, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी दे रखा है, और ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी दे रखा है। सॉरी, तो आपने प्रूव करके दिखाना है ओ ए स्क्वेयर प्लस में ओ बी स्क्वेयर प्लस में ओ सी स्क्वेयर माइनस में ओ डी माइनस में ओ ई स्क्वेयर माइनस में ओ एफ स्क्वेयर इजिकल टू ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। देखिएगा, तो आपके पास ए बी सी ट्रायंगल के अंदर ये तीन परपेंडिकुलर दे रखे हैं, ये आपने प्रूव करके दिखाना है पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट ये प्रूव करके दिखाना है। तो आपके पास 90 डिग्री के तीन एंगल हैं, तो तीनों के अंदर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो 90 डिग्री का पहला है OD परपेंडिकुलर टू BC, देखिएगा OD परपेंडिकुलर टू BC, तो ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ठीक। उसके बाद OE परपेंडिकुलर टू AC है, तो इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, इसमें भी लग सकती है। OF परपेंडिकुलर टू AB है, तो इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं ऊपर से, तो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ए ओ एफ इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटन्यूज होगी, तो ए ओ का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए एफ का स्क्वायर प्लस में ओ एफ का स्क्वायर। अब ऐसे ही ट्रायंगल ओ डी बी इसके अंदर लिया, अब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के अपोजिट ओ बी, तो ओ बी स्क्वेयर इजिकल टू बी डी स्क्वेयर प्लस में ओ डी स्क्वेयर। ऐसे ही अब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो सी ई आपके पास ये 90 डिग्री का है, तो ओ सी स्क्वेयर इजिकल टू ओ ई स्क्वेयर प्लस में सी ई स्क्वेयर। तो इन तीनों ट्रायंगल्स के अंदर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब इनके अंदर ही क्यों लगाई, जैसे इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसके अंदर तो ओ ए आ जाएगा, अब ओ बी इस ट्रायंगल में निकाल लेंगे और ओ सी इस ट्रायंगल के अंदर लगा देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, इक्वेशन एक दो और तीन को जोड़ देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट जोड़ देंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ देंगे। अब ओ एफ ओ डी और ओ ई इन तीनों को इस साइड में ले आएंगे, प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे, ये आपके पास बच जाएगा, तो पहला पार्ट आ गया। अब दूसरे पार्ट के अंदर आपके पास क्या कहता है, ओ ए स्क्वेयर माइनस ओ, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, ओ ए स्क्वेयर माइनस ओ स्क्वेयर, ओ बी स्क्वेयर माइनस में ओ डी स्क्वेयर, ओ सी स्क्वेयर माइनस में सॉरी ओ ए स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर, ये दोनों इकट्ठे कर लिए, ये दोनों इकट्ठे कर लिए, ओ बी और ए ओ एफ और ओ सी और ए ओ डी को आपने इकट्ठा करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट आया है उसके अंदर ओ ए और ओ ई, देखिएगा ओ ए और ओ ई ये इकट्ठा क्यों किया, क्योंकि इससे आपके पास ए ई आ जाएगा, जो आपने प्रूव करके दिखाना है ना, वहाँ से सेकंड पार्ट के अंदर आपने ए एफ बी डी और सी ई किसके इक्वल दिखाना है, ए ई सी डी और बी एफ स्क्वायर के बराबर, तो ए एफ बी डी सी ई लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई। अब ये जो प्रूव करके दिखाना है, इसके अंदर ए ई चाहिए, सी डी चाहिए और बी एफ, तो ए ई के लिए आपके पास हमें क्या चाहिए, ओ ए और ओ ई ए के लिए, और दूसरा सी डी के लिए सी डी, इसके लिए आपके पास क्या चाहिए, ओ डी और ओ सी चाहिए, और दूसरा है बी एफ, तो बी एफ के लिए आपके पास है ये बी एफ, उसके लिए ओ एफ और ओ बी चाहिए, ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। तो ऐसे करके इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, इन दोनों के इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो आपके पास ओ ए स्क्वेयर माइनस में ओ ई स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, ए ई स्क्वेयर के, ऐसे ये आपके पास बी एफ के स्क्वेयर, ऐसे ये आपके पास सी डी का स्क्वेयर, ये राइट हैंड साइड दे ही रखे, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट निकालेंगे, उसके बाद उसके सेकंड पार्ट अपने आप आ जाएगा, इन दोनों को आपने इकट्ठा कर लेना। उसके बाद आपके पास जो नाइन्थ क्वेश्चन है उसके अंदर कहता है ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिएगा,
कहता है ए लेटर सी डी तिरछी होगी भाई, ये दीवार है ठीक है, दीवार के ऊपर कहीं को खिड़की है और ये सी डी है और ये ग्राउंड लेवल है। तो कहता है एक लेडर है 10 मीटर लॉन्ग, तो ए सी एक लेडर है 10 मीटर लॉन्ग, ए इज द पॉइंट ऑफ विंडो, कोई ये दीवार है बी सी, इसके ऊपर कोई भी विंडो है, इस विंडो की हाइट कितनी है 8 मीटर, तो आपने ये डिस्टेंस निकालनी है। ये क्या है फुट है, किसका फुट है आपके पास लेडर, लेडर के फुट की इस दीवार के फुट से डिस्टेंस निकालनी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ये दिस तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे सीधा, इसका स्क्वेयर माइनस में इसका स्क्वेयर अंडर द रूट बी सी की लेंथ आ जाएगी, 36 का रूट कर देंगे तो बी सी आ जाएगा आपके पास, सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद कहता है 10th क्वेश्चन, एक गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 20 ऑफ 4 मीटर, इसका फिगर देखिएगा ये आपके पास, क्या कहता है वायर, एक गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल, ये इसका फिगर बना, वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए स्टेक अटैच टू द अदर एंड, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टोट। तो इसने क्या दिया आपके पास है पोल ऑफ, ये पोल है जिसकी हाइट 18 मीटर है आपके पास, इससे यहाँ पर एक रस्सी बांध दी गई, इसको टाइट कर दिया है 24 मीटर की, तो आपने ये डिस्टेंस निकालनी है, फिर वही आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, 24 का स्क्वेयर माइनस में 18 का स्क्वेयर अंडर रूट लेंथ ए बी आ जाएगी। देखिएगा इसके अंदर क्या आता है, एक गाय वायर है 24 मीटर का, वर्टिकल पोल बी सी 18 मीटर का, आपने ए बी की वैल्यू निकालनी है ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी आपके पास। उसके बाद 11th क्वेश्चन देखिएगा, इसने क्या बताया, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। देखिएगा आपके पास ये कोई भी पॉइंट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, इस पॉइंट से आपके पास इसने क्या बताया, एक एरोप्लेन है जो कि एयरपोर्ट को छोड़ती है और फ्लाइट करती है नॉर्थ की साइड में 1000 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से ये नॉर्थ की साइड में 1000 किलोमीटर पर इस स्पीड से आपके पास वो फ्लाइट करती है। कहता है एट द सेम टाइम, उसी टाइम के ऊपर अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट, उसी टाइम पे एक दूसरी आपके पास फ्लाइट है और वो किसकी है वेस्ट की तरफ फ्लाइट करती है, किस हिसाब से 1200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। कहता है यहाँ से आपके पास इस जगह से एक फ्लाइट एरोप्लेन निकलती है, इस साइड में जाती है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसी उसके बाद कहता है इसी जगह से एक दूसरी एयरलाइन निकलती है एयरप्लेन निकलती है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन वेस्ट की डायरेक्शन में इस स्पीड से निकलती है। तो ये कहता है हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, कहता है 1 घंटे के बाद उन दोनों प्लेन्स की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से प्लेन चलेगी तो कहता है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे गई, यहाँ से आपके पास प्लेन चलेगी 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे गई, तो 1.5 घंटे में ये यहाँ पहुँच गई और ये यहाँ पहुँच गई, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये निकालनी है। तो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन ये 1200 किलोमीटर नहीं है, ये 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, एक इस स्पीड का मतलब क्या होगा 1 घंटे में 1200 किलोमीटर, और यहाँ से जो प्लेन चलेगी वो कितनी आपके उसने कितना टाइम लिया 1.5 घंटा, तो 1 घंटा में 1200 किलोमीटर है तो 1.5 घंटे में 1800 किलोमीटर तो ये लेंथ आ जाएगी, ये 1 घंटे में 1000 किलोमीटर है तो 1.5 घंटे में ये 1500 किलोमीटर आ जाएगी, तो ये लेंथ बन जाएगी आपके पास 1500 और ये लेंथ बन जाएगी आपके पास 1800। अब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सोल्व करना आपने, ठीक है आपके पास ये लेंथ आ जाएगी 300 × √61 किलोमीटर आ जाएगी। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया इसने, कहता है टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड, क्या कहता है एक ये है पोल 6 मीटर का और एक ये है आपके पास है 11 मीटर का, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फिट ऑफ द टू पोल्स इज 12 मीटर, एक पोल ये है सी डी पोल है और दूसरा ए बी पोल है,
सी डी पोल की हाइट है 6 मीटर, इस पोल की हाइट है 11 मीटर और इनके जो फिट हैं उनके बीच की डिस्टेंस है 12 मीटर, ठीक है, ऐसा गिवन दे रखे है। तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उनका टॉप, इस पोल का टॉप ये है और इस पोल का टॉप ये है, उनके टॉप के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपने निकालनी। अब ये पोल की हाइट आपके पास 6 मीटर, तो ये हाइट भी कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी। ये 12 मीटर है तो यही 12 मीटर। अब जब ये टोटल आपके पास 11 मीटर है जिसमें से 6 मीटर ये होगी, तो ये बन गई 5 मीटर। तो ये ए ई लेंथ 5 है और सी ई लेंथ 12 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी लेंथ हम निकाल देंगे, डायरेक्ट आपने पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करनी, ठीक ठीक है, सिंपल है, देखिएगा आपके पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। उसके बाद 13th क्वेश्चन देखिएगा, तो 13th क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड, डी एंड ई आर द, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए सी। कहता है ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल कहाँ पर है, सी के ऊपर है। उसके बाद डी और ई आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं, डी पॉइंट किसके ऊपर है, सी ए के ऊपर है, और ई पॉइंट किसके ऊपर है, बी सी के ऊपर दे रखा है। तो आपने प्रूव करके दिखाना ए ई स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। कहता है इसने गिवन क्या है, ए बी सी का राइट एंगल ट्रायंगल है, सी के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल है, डी और ई पॉइंट इन दोनों साइड्स के ऊपर दे रखे हैं। तो आपने प्रूव करके दिखाना ए ई स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर। तो ये डी और ई पॉइंट है, तो डी पॉइंट को इससे मिला देंगे, डी पॉइंट को इससे मिला देंगे और ए पॉइंट को इससे मिला देंगे। अब देखिएगा आपने प्रूव करके क्या देखा, अब ये देखिएगा सी के ऊपर राइट एंगल, सी के ऊपर 90 डिग्री का है, तो सी से हम कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। तो सी से आपके पास एक तो ए सी बी, ये आपके पास बी सी ए, एक तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। उसके बाद सी से सी डी ए सी डी बी, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है बी डी सी। उसके बाद सी से सी डी ई, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, एक ई सी ए, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल बनती है सी से। तो हमने जो प्रूव करके दिखाना है उसके अंदर ए ई और बी डी चाहिए। तो ए ई देखिएगा, ए आपके पास कहाँ पर है, यो ए है और ये ई है, तो ए ई और उसके बाद दूसरा पॉइंट हम तीसरा पॉइंट लेंगे सी, क्योंकि यही राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। आपने ए ई डी ले लिया तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगी, ए ई सी के अंदर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो ए ई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी ई स्क्वेयर प्लस में डी ई स्क्वेयर आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए ई स्क्वेयर ये आ जाएगा। अब दूसरा आपके पास सी बी डी, अब बी डी कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगा, ये बी आपके पास है, ये डी, तो बी डी और तीसरा पॉइंट आपके पास सी। जैसे यहाँ पर ए ई दो साइड होगी तो तीसरा आपके पास सी, ऐसे ही बी डी और ए सी, इनके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट जुड़ जाएगी, राइट साइड में राइट जुड़ जाएगी। अब राइट साइड में ए सी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर प्लस में इन दोनों, अब हमें चाहिए क्या, ए बी और डी ई, तो ए बी तो है कहीं पर नहीं है, तो ए बी कहाँ से बनेगा, ए और बी। अब ए बी के लिए आपके पास क्या चाहिए, अब ए बी के लिए तीसरा पॉइंट सी चाहिएगा, तभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, तो इसके अंदर बी सी चाहिए और सी ए चाहिए, तो इसको आप बी सी और सी ए को इकट्ठा कर लेंगे, तो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ए बी स्क्वेयर आ जाएगा, ऐसे ही इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद 14th क्वेश्चन देखिएगा, 14th क्वेश्चन के अंदर क्या आता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट ए डी सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3CD। फिगर के अंदर देखें, कहता है ए बी सी आपके पास क्या आता है, ए से बी सी आपके पास कोई भी साइड है उसके ऊपर ट्रायंगल ए बी सी को इंटरसेक्ट करता है डी पे, ए बी सी कोई भी ट्रायंगल है, बी सी ए से वर्टेक्स से इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डाला गया है जो बी सी को डी पर काटता है, किस हिसाब से है, डी बी, डी बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए सी डी, इस सी डी का 3 गुना कर देते हैं तो बी डी आ जाता है। अगर ये एक लेंथ है तो ये 3 लेंथ है, ये 2 लेंथ है तो ये 6 लेंथ है, ये 3 लेंथ है तो ये 9 लेंथ
कहने का मतलब ये एक हिस्सा है तो ये तीन हिस्से हैं। टोटल अगर बी सी के हम चार हिस्से कर देते हैं तो एक हिस्सा ये होगा, तीन हिस्से ये होंगे। तो ये जो एक हिस्सा है ये तीन हिस्सा है, टोटल किसके बी सी के हो गए। तो बी सी के चार हिस्से करते हैं तो एक बटे चार हिस्सा ये आ जाएगा, तीन बटे चार हिस्सा ये आ जाएगा। तो देखिएगा स्टेटमेंट के अंदर कहता है ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है एट ए, ए के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल है ये ए के ऊपर, ठीक है, और ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है, ए डी बी सी के ये परपेंडिकुलर, ये चीज़ दे रखी है आपके पास और ये लेंथ दे रखी है। आपने ये प्रूव करके दिखाना है ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसका हम प्रूफ करके देखते हैं। तो इस प्रूफ के अंदर आपके पास क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू जो बी सी आपके पास है, जो बी सी लेंथ है वो सी डी प्लस में डी बी के इक्वल होगा। ये आपको पता है ये एक हिस्सा है ये तीन हिस्सा है, तो सी डी जो लेंथ होगी वो बी सी का चार में से एक हिस्सा है और ये बी डी लेंथ है ये बी सी का चार में से तीन हिस्सा है। तो ये आपके पास है सी डी लेंथ आ जाएगा एक बटे चार बी सी और बी डी लेंथ आ जाएगा तीन बटे चार बी सी। अब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल के अंदर ये ए सी स्क्वेयर इजिकल टू ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर, तो ए सी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर इजिकल टू ए डी स्क्वेयर ये आ जाएगा। और अब इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी स्क्वेयर ये आ जाएगा। अब ए बी स्क्वेयर में से बी डी स्क्वेयर घटा देंगे ये आ जाएगा। दोनों का आपने इक्वेशन एक और दो से क्या है ए सी स्क्वेयर माइनस में सी डी स्क्वेयर इजिकल टू आपके पास ए बी स्क्वेयर माइनस बी डी, राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल रख देंगे। तो ए सी स्क्वेयर माइनस, अब बी डी और सी डी जहाँ कहीं पर भी आएंगे बी डी की जगह पर वैल्यू रख देंगे बी सी बाई थ्री बाई फोर बी सी, और सी डी की जगह पर रख देंगे वन बाई फोर बी सी, आपका ये वैल्यू पुट कर देंगे स्क्वेयर है तो स्क्वेयर आ जाएगा, ये सोल्व कर लेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद सोलवा पंद्रवा सोलवा और सत्रहवा ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है जो आपके पास है। अभी फोर्टीनथ क्वेश्चन हुआ सेम टू सेम आपके पास फिफ्टीन क्वेश्चन होगा। देखा फिफ्टीन क्वेश्चन के अंदर भी आपके पास क्या आता है ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है बी डी इक्वल टू थ्री बाई वन बाई थ्री बी सी, तो ए बी सी आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बी डी वन बाई थ्री बी सी, जो बी डी है वो बी सी का एक बटे तीन है। अब यहाँ से ए से हमने ए ई परपेंडिकुलर डाला है ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी। अब ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी लेंथ बी सी लेंथ और ए सी लेंथ तीनों की तीनों लेंथ इक्वल होंगी, जो ये परपेंडिकुलर है अब इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो बी ई और ई सी ये दोनों की दोनों लेंथ इक्वल होंगी। अगर हमने लेंथ ए मान ली इस ट्रायंगल की साइड ये ए लेंथ है ये भी ए लेंथ है और ये साइड भी ए लेंथ है तो बी ई और सी ई हाफ हाफ आ जाएगी, ये भी ए बाई टू और ये भी ए बाई टू, आधी लेंथ ये होगी आधी लेंथ ये होगी, या बी ई इज इक्वल टू हाफ बी सी और ई सी इज इक्वल टू हाफ है बी सी और बी डी वन बाई थ्री बी सी दे रखा है। तो ये आपके पास गिवन है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये परपेंडिकुलर लेंथ की हाफ होगी ये दे रखा है, तो यहाँ से आपके पास डी ई लेंथ निकाल लेंगे, डी लेंथ क्या होगी बी ई माइनस बी डी ये आ जाएगी। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, एक तो ये आपके पास रिजल्ट क्या होगा आधी हो जाएगी, ये रिजल्ट दे रखे है इससे यहाँ से आपके पास डी ई की लेंथ निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने वैल्यू पुट करनी है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, एक बार इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्रायंगल में एक बार इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं लेफ्ट हैंड साइड को बराबर रख देंगे डी ई की वैल्यू ये रख देंगे बी की वैल्यू रख देंगे आपके पास है सोल्व कर लेंगे आपका आंसर है ये आ जाएगा। ये कैलकुलेशन वर्क है इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये वैल्यू निकाले आपने उसके बाद ये वैल्यू निकालनी आपने उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा के पिछले वाले क्वेश्चन की तरह पे करना है, सिर्फ वैल्यू आपके पास ये वैल्यू पुट करनी है डी ई की वैल्यू और आपके पास बी डी की ये वैल्यू पुट करके आपके पास ये देखिएगा कैलकुलेशन है वर्क, आप चाहो तो इसको आप देख सकते हैं ये पूरा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। उसके बाद 16 और 17 क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये आपने खुद सोल्व करना है क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं भाई। थैंक यू।